लंबी लाइन, घंटों का इंतजार और हर रोज वही बाल्टी भरने की जंग। लेकिन आज मैं आपको तस्वीरें जहां से दिखा रही हूं, ये दिल्ली चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। ये इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं, आप जरा मेरे पीछे देखें तो हर रोज यहां पर आपको बाल्टियों की लंबी कतारें, लंबी लाइन नजर आती थी, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। सूना क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि दरअसल संजय कैंप का ये जो इलाका है, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो इसी नल से, ये जो नल है इस पाइप से पानी लेने के लिए रोज आते थे, लेकिन आज अचानक से ये पाइप भी खराब हो जाती है और इसमें से भी पानी नहीं आ रही, जिसके बाद ये जो लंबी लाइन यहाँ लगती थी वो बिल्कुल थम गई, क्योंकि लोगों की जो इकलौती उम्मीद इस इलाके में रहने वालों की थी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक नल ज़रूर है छोटा सा, लेकिन वहाँ उस इलाके के लोग आते हैं और वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर भी पानी भरना यहाँ से लोगों के लिए जाकर आसान नहीं हो रहा। हमारे साथ एक महिला है जो सुबह से मुझे परेशान नज़र आ रही है, पहले तो उनसे ही बात करते हैं। जी आ जाइए, आप भी यहाँ आ जाइए, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। ये बताइए कि आपको मैंने सुबह भी देखा और आप मुझे रोज यहाँ पानी भरती नजर आ रही थी, आज क्या हो गया? आज तो खराब हो गया, जो भी उम्मीद था वो भी खत्म हो गया आज। तो अब पानी कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएंगे, 2-3 बजे यहाँ टैंकर आता है, उसमें अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बिना पानी के रहना पड़ेगा मैम। पानी, ये नल कब ठीक होगा, इसको लेकर कुछ किसी से बातचीत? इसमें तो कंप्लेन करना पड़ेगा जब ही आएगा। आज पानी फिर अगर टैंकर लेट आता है या टैंकर से नहीं पानी मिलता तो दिन भर रोटी भी नहीं बना, चाय भी नहीं बना, न पानी पिए। कल जो पानी भरा था उसी से कम, उसी में पानी पिए, चाय भी नहीं बना पाए। क्या नाम है आपका? विभा देवी नाम है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, ये टोटी का कोई भरोसा नहीं, कभी फूक जाते हैं, कभी ठीक करते हैं तो ठीक होते हैं, बाकी टैंकर आते हैं हम लोग के तो उस तरफ एक ही टाइम टैंकर आता है, और उस तरफ तो और दिक्कत हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ भी और दिक्कत हो रही है, और क्या? अब आप लोगों के यहाँ पानी आ जाए, कैसे जाएगा पानी? अब देखिए, अब सुबह ही मिलेगा, सुबह का एक टाइम टैंकर आता है, तो अब दिन भर पानी उसी से गुजारा करना। हाँ, अब जो भी घर में थोड़ा बहुत है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, दिक्कत सिक्कत करके। देखिए, ये जहाँ पे लाइन लगती थी, आज यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। लोगों की एक आखिरी उम्मीद टैंकर है, जो अगर देर शाम तक यहाँ पर पहुँचती है तो लोगों को पानी मिलेगी, और अगर नहीं पहुँचती तो पूरे दिन जो कल पानी इन्होंने इकट्ठा किया है उसके सहारे इनको दिन गुजारना पड़ेगा। अब ज़रा ये सोचिए कि पानी जो सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है इस वक्त, प्यास जिसका कोई इलाज नहीं है, और दिल्ली की जनता के पास पीने का पानी तक नहीं, यहाँ से पानी जाता है, और आज ये जो इकलौता नल है इस पूरे इलाके का, जो इकलौता सहारा है, आज वो भी ख़राब हो गया है। अब ये इस उम्मीद में है, इस आस में है कि या तो टैंकर आए या तो इनका नल ठीक हो। और एक और चीज़ है, ये जो नल है इस पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तकरीबन ये नल सुबह 8 बजे से 24 घंटे ये नल चलते रहता है। मैंने कम बताया, पूरे 24 घंटे नल चलते रहते हैं, और ऐसे में अगर ये नल 24 घंटे चलेगा तो जाहिर तौर पर इसके जलने की या फिर इसके खराब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, और ऐसे में ये इस वक्त खराब है। लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द या तो इसको रिपेयर किया जाए या एक लौता सहारा टैंकर जल्द आए, ताकि उनके घरों में चूल्हा जले, खाना बने और उनकी जो प्यास है वो बुझे। कैमरा पर्सन हसन इमाम के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।